और अब अगली खबर आ रही है रीवा जिले के नई गढ़ी जनपद पंचायत से, जहां इस समय नई गढ़ी जनपद पंचायत में जनपद पंचायत सीईओ की तानाशाही इस कदर हावी है कि अपने वरिष्ठ अधिकारी जिला कलेक्टर तक की आदेशों की धज्जियां उड़ाने में कोई परहेज नहीं करते हैं। जिला कलेक्टर मनोज पुष्प के आदेश अनुसार प्रत्येक जनपद पंचायत में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन होना था। इसी तारतम्य में 18 अक्टूबर 2022 को नई गढ़ी जनपद में भी समस्या निवारण शिविर का आयोजन होना था, लेकिन नई गढ़ी जनपद सीईओ शैलेश पांडे की मनमानी की वजह से ना तो इस बात की सूचना नई गढ़ी जनपद पंचायत अध्यक्ष को दी गई और ना ही किसी ग्राम पंचायत के सचिव सरपंच को। महज नई गढ़ी जनपद के सीईओ शैलेश पांडे की अगुवाई में 3-4 कर्मचारी बैठकर पूरी समस्या शिविर का उद्घाटन से लेकर समापन तक कर दिया। नई गढ़ी जनपद पंचायत हितग्राही शिविर में नहीं पहुंचे, बड़ा सवाल ये उठता है कि जब शिविर हितग्राहियों के लिए आयोजित किया जा रहा है, ऐसे में जनपद के ग्राम पंचायत के गरीब हितग्राहियों को शिविर की जानकारी नहीं है, ऐसे में फिर शिविर लगाने का मतलब क्या है, यह तो जिला कलेक्टर ही बता सकते हैं। पूरे मामले पर जनता में आक्रोश देखा जा रहा है, जनता काफी नाराज है। तत्काल इस मामले में जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े और जिला कलेक्टर मनोज पुष्प को संज्ञान लेना चाहिए। जनता के हितों की रक्षा करने वाले अगर भक्षक बन जाए तो इन पर तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। आइए सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर जनपद अध्यक्ष के साथ अन्य जन प्रतिनिधियों ने क्या आरोप लगाए हैं। जनपद से कोई सूचना नहीं मिली थी और ना ही कुछ खबर मिली थी, क्योंकि न जनता को मिली, न हमको दिया गया, न सरपंचों को दिया गया, न कुछ बताया गया कि आज हमारे जनपद पंचायत में शिविर लग रहा। अगर शिविर लग रही है तो उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि कितने लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, और जब मालूम नहीं है, न किसी को बताया गया कि आज हमारे जनपद पंचायत में 18 तारीख को शिविर लगने वाली है, तो उसमें सबको बताना चाहिए कि हम आज यहाँ पर शिविर लगा रहे हैं। न शिविर में 2-4 आदमी थे, ज़्यादा नहीं थे। जब वहाँ मैं गई पूछी कि आज क्या हो रहा है, तो बोले यहाँ शिविर लगी हुई। हम पर किसकी शिविर लगी, हमको जानकारी होनी चाहिए कि नहीं? बोले मैडम बस ऐसे ही शिविर लगाए हुए हैं, ना हमारे सीओ साहब हमको जानकारी कोई देते। जब कलेक्टर से आदेश आया था तो हमको बताना चाहिए ना कि आज हमारे यहाँ शिविर लगने वाली है। सरपंच को सूचना नहीं दी गई, ना सरपंच को, ना जनता को। तो फिर शिविर किनका लगा हुआ था, कितने लोग वहाँ पर उपस्थित? उसमें ज्यादा से ज्यादा 2-4 आदमी बैठे हुए थे कर्मचारी। जी, सभागार में सिर्फ 2-4 आदमी बैठे थे कर्मचारी, अपना काम कर। हमको इसलिए नहीं बताया जाता, या तो चोरी काम करना चाहते हैं। अध्यक्ष को कोई जानकारी यहाँ जनपद पंचायत में नहीं दी जाती है, जनपद सीओ के द्वारा। जी, जब हमको नहीं दी जाती तो हम कैसे बोल दे कि हमको पता है। हितग्राही मूलक योजनाओं में जो शिविर लगना था उसमें जनता की समस्याओं का, उनके आवेदनों की सुनवाई होनी जी, लेकिन यहाँ पर कोई जनता ही नहीं आई, किसी को सूचना ही नहीं दी गई, फिर लोगों का काम कैसे हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि जब जनता को हमारे खबर नहीं होगी तो कहाँ से काम होगा। सब उसके रजिस्टर में और कागजों में हो जा रहा है, ये है कि शिविर लग गया है, बाकी जानकारी उनको कुछ नहीं। जितने सरपंच आते हैं हमसे पूछते हैं कि आज किस काम के लिए कार्रवाई की जा रही है, आपके आदेश की अवहेलना की जा रही है। जी जी जी, मैं कलेक्टर साहब से अनुरोध करना चाहती हूँ, हमारे नई गढ़ी में आके और जिलों से आके यहाँ पर तो एक बार मुआयना करें, क्योंकि जो हमारा नई गढ़ी पंचायत क्षेत्र है, अति आक्रमण और अति ईस्या वहाँ हो रही है, क्योंकि सीओ हमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते और न कोई जानकारी देना चाहते हैं। क्या नाम है आपका, क्या समस्याएं जा रही हैं? मेरा नाम हीरामण मिश्रा है। यहाँ से 3 किलोमीटर में हमारा गांव है, ग्राम पंचायत है हरदी तिबरियान, जनपद है नई गढ़ी, जिला रीवा, मध्य प्रदेश का मैं निवासी हूँ। क्या समस्याएं जा रही हैं? समस्या इस जनपद में ऐसा, हम आज आए तो मुझे मालूम पड़ा कि कल जन समस्या निवारण शिविर यहाँ था, आयोजित था, लेकिन किसी को जनपद पंचायत के अंतर्गत किसी को ये जानकारी नहीं हुई कि नई गढ़ी में शिविर है। यहाँ तक कि सरपंचों को भी मालूम नहीं था, यहाँ के हितग्राहियों को भी मालूम नहीं था। आज इतनी समस्याएं हैं जनता की कि जब मालूम हो जाता कि यहाँ शिविर है तो इतनी समस्याओं का अंबार लग जाता,
लोग अपनी अपनी तरह तरह की समस्याएं लाकर के अर्जी पुर्जी के माध्यम से बताते और उनके समस्याओं का निदान होता। क्या मांग करना चाहते हैं जिला कलेक्टर महोदय से, चूंकि जिला कलेक्टर महोदय ने शिविर के लिए निर्देशित किया था जनपद सीओ को? मैं जिले के कलेक्टर से महोदय से मैंने अनुरोध करता हूं, कमिश्नर साहब से अनुरोध करता हूं, सीओ जिला पंचायत से अनुरोध करता हूं कि नई गढ़ी जनपद की सारी चीज़ों को देखें, निगरानी रखें। यहाँ 8 वर्षों से जिस तरह से जंगल राज चल रहा है पूरे जनपद में, हर ग्राम पंचायत में, यहाँ तक कि त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का जब चुनाव था, आचार संहिता लगी हुई थी, तो यहाँ जनपद के अंतर्गत अनेक ग्राम पंचायत से 15-15 लाख 20-20